प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू रिसीव ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुणाल द फोटोग्राफी ब्लॉगर और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ्लैश में ग्रुप्स और चैनल्स क्या होते हैं, उनका रोल क्या होता है और आप कैसे उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही फ्लैश फोटोग्राफी सीरीज शुरू करी थी जहाँ पर मैंने हाई स्पीड सिंक HSS और TTL थ्रू द लेंस के बारे में दो वीडियोज़ बनाई थी। एंड ट्रस्ट मी, जो मेरी सारी अभी ये वीडियोज़ हैं उनमें से जो अभी टॉप पे हैं वो दो वीडियोस हैं। तो आई एम होपिंग कि आप लोगों को फ्लैश फोटोग्राफी में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो वही रीज़न है कि मैं यहाँ पे ये वीडियो कर रहा हूँ जहाँ ग्रुप्स और चैनल्स के बारे में हम बात करेंगे। बाकी अभी कुछ और वीडियोस भी मैं इस सीरीज़ में बना रहा हूँ, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ एक फ्लैश है और एक जो ट्रिगर है। अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ग्रुप्स और चैनल्स कैसे काम करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक ये क्रिएटिव दिखा रहा हूँ। आप ये इमेज देखिए, यहाँ पे अगर आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे दो फोटोग्राफर्स हैं, एक है मैं कुणाल और दूसरा है राहुल। तो चैनल्स जो होते हैं बेसिकली आप समझिए, जैसे आप किसी वेडिंग पे हो या कहीं पे भी आप शूट कर रहे हो, अगर वहाँ पे मल्टीपल फोटोग्राफर्स हैं तो हर एक फोटोग्राफर एक डिफरेंट चैनल पे काम करता है। तो चैनल का कहने का मतलब ये है, लेट्स से अगर वहाँ तीन फोटोग्राफर्स हैं तो हर एक फोटोग्राफर को अलग अलग चैनल चूज़ करना पड़ेगा। लेट्स से या इस एग्जांपल में अगर दो हैं तो मैंने किया चैनल वन और राहुल ने किया चैनल टू। ठीक है, चैनल्स होगा ये। अब ग्रुप्स क्या होते हैं, हर चैनल के आगे जो सब डिविजन्स होती है उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर तीन फ्लैशेज यूज़ कर रहा हूँ तो जो मेरा चैनल है वो वन है और वन चैनल में जो ग्रुप्स हैं तीन फ्लैश के वो ए बी और सी होंगे। सिमिलरली जब राहुल चैनल टू पे काम कर रहा है तो उसके भी अंडर ग्रुप्स होंगे, वो भी ए बी और सी होंगे अगर वो तीन फ्लैशेज यूज़ कर रहा है। तो ग्रुप्स हो गए जब अलग अलग फोटोग्राफर्स होते हैं, मल्टीपल फोटोग्राफर्स, तो आप प्रेफर करोगे अलग अलग ग्रुप्स पे शूट करो। और जब चैनल्स होते हैं उसके आगे जो सब डिविजन्स होती हैं वो चैनल्स होते हैं। तो अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये मेरे पास एक फ्लैश है यहाँ पे और एक ये ट्रिगर है। तो लेट्स सपोज अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैं चैनल वन पे शूट करूँगा और राहुल चैनल टू पे शूट करेगा, तो यहाँ पे इसका रीज़न क्या है? तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे चैनल वन सेलेक्ट किया हुआ है। इसका रीज़न क्या है, जब भी आप किसी इवेंट पे या कहीं भी शूट कर रहे होते हैं, चैनल जो है वो डिफाइन करता है कि इस अगर ये ट्रिगर होगा, जैसे आप अभी देख रहे हो ये ट्रिगर इसलिए हो रहा है बिकॉज ये भी चैनल वन पे है। तो चैनल्स होते हैं मेन, अगर आप वहाँ मल्टीपल फोटोग्राफर्स हैं, चैनल जो है वो डिफाइन करता है कि अगर ये ट्रिगर मेरा चैनल वन पे है और अगर ये फ्लैश चैनल टू पे होगी, जो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैंने चैनल टू सेलेक्ट कर लिया। अब जब मैं ट्रिगर कर रहा हूँ या मैं फ़ोटो पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी ये फ्लैश नहीं चल रही। इसका रीज़न ये है कि इसका चैनल मैंने टू कर दिया है। तो अब अगर लेट्स सपोज़ ये दूसरा राहुल का ट्रिगर है और वो ये ऑपरेट कर रहा है चैनल टू पे, तो यहाँ से भी अभी मैंने सेकंड चैनल सेलेक्ट कर लिया। तो अब जब आप देखोगे चैनल टू पे ये भी है और ये भी है, तो लेट्स सपोज़ अगर राहुल यूज़ कर रहा है तो वो चैनल टू पे यूज़ कर रहा होगा दोनों, और वो जब क्लिक करेगा फ़ोटोज़ तो उसको इस पर ट्रिगर होगा। सिमिलरली अगर ये मेरा ट्रिगर है, ये राहुल की फ्लैश है, तो यहाँ से मेरा चैनल था वन, ठीक है, तो मैं अपनी चैनल वन की फ्लैशेस के साथ शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो राहुल की फ्लैश है वो ट्रिगर नहीं होगी, तो उसके शूट में कुछ भी इशू नहीं होगा यहाँ पे। तो ये जब तक जो आपका ट्रिगर है वो चैनल वन पे है और आपकी फ्लैश भी चैनल वन पे है तब तक ये ट्रिगर करेंगी साथ में, पर अगर चैनल अलग है दूसरे किसी फोटोग्राफर्स की फ्लैश का तो वहाँ पर नहीं करेगी वो ट्रिगर। ठीक है, तो ये हो गया चैनल्स। अब हम बात करते हैं ग्रुप्स की। ग्रुप्स होते हैं जैसे हमने बात की सब डिविजन ऑफ चैनल्स। तो अभी ये मेरा चैनल वन पे है, ये भी चैनल वन पे है, तो यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है, राइट। तो चैनल वन पे अगर आपके पास मल्टीपल फ्लैशेज हैं, लेट्स से आप वेडिंग में शूट कर रहे हो, आप कहीं भी शूट कर रहे हो, आपके पास तीन चार फ्लैशेज हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको जो हर एक फ्लैश है, लेट्स से ये ए पे है, दूसरा बी पे, तीसरा सी पे। अब फ़ायदा क्या होता है यहाँ पे ग्रुप्स का, तो यहाँ पे अभी आप ट्रिगर पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो ए बी और सी आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको अलाउ करता है जो भी ग्रुप है आपकी फ्लैश, जिसमें लेट्स से अगर अभी ये ए में है यहाँ पे ग्रुप, तो यहाँ पे भी मैं ए को,
जो भी मैं अलग से चाहूँ वो हमें सेट कर सकता हूँ। जैसे फ्लैश एक्सपोजर कंपनसेशन है, तो मैं एक इसका सेपरेटली ए का ये सेट करता हूँ यहाँ पे, ये कर सकता हूँ, ये मेरे पास फिजिबिलिटी है। सपोजिटली आप 3 फ्लैश यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे ए का, लेट्स से मेरे को ए को TTL मोड पे रखना है, तो मैं ए को यहाँ पे लाके आप ये देख सकते हो कि जब मैं मोड पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मोड चेंज हो रहा है। अभी मैनुअल है, ये ऑफ हो गया, और ये TTL। लेट्स से मेरे को ए को TTL पे रखना है, सिमिलरली मेरे को बी को मैनुअल पे रखना है, तो मैनुअली मैंने इसका कुछ सेट कर दिया यहाँ से, इसकी इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप हर फ्लैश को अलग से ऑपरेट कर सकते हो। अगर आपको ए की पावर, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, लेट्स से ए की पावर, मैं इसको पहले मैनुअल पे डाल देता हूँ, इसको 1/128 रखना है, और मेरे को बी की जो पावर है वो 1/64 रखनी है। तो यहाँ पे एक की पावर जो है दूसरे से हाफ रहेगी। तो यहाँ पे ये आपको कंट्रोल मिलता है जब आप ग्रुप्स पे इनको ऑपरेट करते हो अलग अलग फ्लैश को। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा कि हमने अभी डिस्कस किया ग्रुप्स क्या होते हैं और चैनल्स क्या होते हैं और उनका क्या रोल है और आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि जिन्हें नहीं पता उन्हें भी इस बारे में डिटेल्स पता लग जाए। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हाई स्पीड सिंक और TTL की वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, आपको नहीं पता है क्या होता है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।